कहाँ चला गया? अभी तो मेरा पीछा कर रहा था। टैक्सी! टैक्सी! हे भगवान, टैक्सी भी नहीं मिल रही। ऑटो! ऑटो! टैक्सी! टैक्सी! क्या हो गया पापी जी? है जी, क्या हो गया? मत बहने दीजिए आंसू इज द, यू लुक लाइक बिपाशा वासु इज द। थैंक यू दद्दू। मेंटेन डिस्टेंस। हाँ भाई, पाइपलाइन फूट गई कहीं? पाइपलाइन ना फूटी मैडम, फूटी है मेरी किस्मत। लूट गई ललिता ललितपुर में। अरे तो ललिता को लेके आना था ना यार, लूटी तो वो है, आप लोग क्यों आए हैं बेकार में? अरे अरे अरे, आप समझे नहीं, यही ललिता है और ये जहाँ लूटी है उस मोहल्ले का नाम है ललितपुर। हजार बार समझाया है। और तू कौन है? जी मैं ललिता का हस्बैंड ललितेश। हजार बार समझाया है। क्या समझाया? कि पड़ोसी के साथ पिक्चर देखने ना आ जाए। ए, गोल मुखी, फूट ले जरा अपने अंडे कार मुंह से, हुआ के? हाँ देखो, जो भी बात है उसे बोल डालो, बंद जुड़े को खोल डालो और बिखर जाने दो अपने बाल और बायां करो जो भी है हाल। सतना हो या पटना, बताओ क्या घटी घटना? वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का मशरूम मटर के साथ पक गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की खुखार खलनायिका, मेरा मतलब है जुल्म के रिमिक्स की गायिका, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? या व्हाट इज द समस्या इज द, आज है अमावस्या इज द। एक लुटेरे ने मेरी बीवी को लूट लिया मैडम, हजार बार समझाया है। मैडम हुआ ये कि रात का अंधेरा था घुप, हर कोई था चुप, ऐसे में अंधेरी रातों में सुनसान राहों में एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। हाँ तो मैडम, अंधेरी रातों में सुनसान राहों में जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था मैडम, ऐसे में मैडम मैं जा रही थी अकेली, सैंडल पहने, खट 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 खट, मेरे गले में 10 तोले का हार। वैसे आम तौर पे मैडम मैं करती हूँ 16 सिंगार, लेकिन उस दिन किया था 18 सिंगार, क्योंकि मैडम पार्टी में जाना था ना। लेकिन मैडम लुट गई ललिता ललितपुर में। मैडम पार्टी में जरा खाने पीने में मुझे देर हो गई, जैसे मैं बाहर आई मैडम तो मुझे ना ऑटो मिली ना रिक्शा ना टैक्सी। तो मैडम मैंने अपने आप से कहा ललिता चलो चौराहे तक पैदल चल लेते, वहां चल के शायद कुछ मिल जाए। लेकिन मैडम तभी टैक्सी आ गई। तभी ऑटो आ गया। तभी ना मुझे ऑटो मिली ना टैक्सी। तभी तभी मुझे लगा कि कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन मैडम मैं घबराई नहीं, क्योंकि मैडम मुझे आदत है पीछा करवाने की। वारदात बता लो, अपना कैरेक्टर मत बताओ, हजार बार मना किया है। सॉरी सॉरी मैडम। तभी काले कपड़ों में एक लंबा ओवरकोट पहने, काला हैट लगाए हुए, मतलब ये समझ लो कि काले लिबास में एक आदमी आया, उसने मेरे गले से मेरा हार खींचा और मैडम दूर भागता चला गया।
और मैं सिर्फ चिल्लाती रह गई, लुट गई ललिता ललितपुर में। तैने उसकी सकल वकल पहचानी? मैडम मैंने कहा ना, इतना अंधेरा था घुप कि ऐसे में तो मैं अपने पति को भी ना पहचान पाती। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारा पति था? अरे अरे कमाल करते हैं आप, यहाँ मेरी मेहनत की कमाई का 10 तोले का हार चोरी हो गया और आप है कि आपको मजाक सूझ रहा है, 1000 बार समझाया। देखिए मैडम, आप इस लुटेरे को पकड़िए और 10 तोले का मेरा हार जो है वो मुझे वापस दिलाइए। मैडम 1000 बार समझाया। हाँ ठीक है, हम करते हैं इस केस पर कार्रवाई, आप लोग निकलिए। थैंक यू मैडम। 1000 बार समझाया, एक बार और समझा के देख लो। ये इस हफ्ते की तीसरी घटना है, तीसरी वारदात, और हर बार ये लुटेरा महिलाओं को ही अपना शिकार बनावे। पकड़ना पड़ेगा इस ज्वेल थीप को। मिस चौटाला, मेरी कमाई से खरीदा हुआ झुमका कुछ चोर उड़ा के ले जाए और मैं कमिश्नर होके कुछ नहीं कर पा रहा हूं, कुछ नहीं। सर हम कोशिश कर रहे हैं, सर कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रही हैं आप। एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहा है वो, और आप कह रही हैं कि आप कोशिश कर रही हैं। अरे मैं क्या जवाब दूंगा? कितनी खुश थी जब मैंने वो झुमका उन्हें प्रेजेंट किया था, कितने मन से वो झुमका पहन के पार्टी में गई थी, और वो चोर उड़ा के ले गया, और मैं कमिश्नर, और मैं कमिश्नर कुछ नहीं कर पा रहा हूं। सर आप बस 1-2 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं बता रही हूँ चोर जो है पुलिस की हिरासत में होगा। सर हाँ सर, आप टेंशन क्यों लेते हैं सर, हम घर आते ना एक दिन, भाभी जी के हाथ के पकोड़े खाए हुए भी बहुत टाइम हो गया है। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। मेरे कहने का मतलब है कि घर आते हैं भाभी जी से मिलके जरा पूछताछ करेंगे ना, मतलब जब वो झुमका चुराया गया भाभी जी से तो भाभी जी वो चोर की शक्ल देख पाएंगे नहीं देख पाए ये पूछना है ना। यानी कि मेरे घर में आके ये सब कह के मेरा तलाक करवाओगे? नौकरी से निकाल दूंगा तेरे को। वेल सर, सांच को क्या आंचिस दा, भाभी जी से करनी पड़ेगी पूछताछ इस दा। अरे वो झुमका मैंने अपनी बीवी को नहीं दिया था, बल्कि अपनी एक महिला मित्र को दिया था जिसे पहनकर वो पार्टी में गई थी। और भूल से भी ये सब मेरी बीवी को मत कहना वरना चलता हूं। महिला मित्र, लेकिन मिस्टर वाला चोर का तो कुछ करना पड़ेगा, नाक में दम कर रखा है उसने। नाक में दम तो सर एक ने और ने भी कर रखा है, मैं सोच रही हूँ दम निकाल दूँ इसका। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिंचू टचकीला पिंचू पचकीला एडिया आ रहा है। पंच खा के देगा, पंच खा के देगा। हाँ तो जरा कोने में तो आइए, मतलब सुनिए। तू मारी शादी के लेडीज संगीत में ढोलक बजाएगा तू, वो भी अंगूठे में जो है छल्ला लगा के। एक्सक्यूज मी मिस चौटाला, ऐसी बात ना करी ना, हमें जरा शर्म सी आती है। सर शादी की बात मारी हो रही है, शर्मा आप रहे हैं सर। अरे ये तो क्या करे, वैसे आपकी चोटियां भी अच्छी लग रही है, छोटा रहा चोटी बन कर आई है, अच्छी लग रही। न्यू लुक सर। नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस। आइए आइए। 1000 बार समझाया है। लो मैडम आ गए हम लोग। सॉरी। नमस्ते मैडम। मैडम अब जल्दी से बता दीजिए कि आपने क्या सोचा, लुट गई ललिता ललितपुर में। हमने यो सोचा है कि आज तू फिर से कोई हैवी ऑर्नामेंट पहन के अपना जेवर वगैरह फिर से निकलेगी सुनसान जगह से, फिर जब वो चोर तैने लूटने आएगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी।
अरे अरे मैडम गजब कर रही हैं आप। हमेशा की तरह अगर आज भी पुलिस लेट आई तो मेरी कमाई का एक जेवर और चोरी हो जाएगा, हमारे सामने हजार बार समझाया। हाय हाय। अरे लेकिन ये सोचो कि अगर पुलिस वहां पर टाइम पे पहुंच गई और चोर को पकड़ लिया तो तुम्हारा 10 तोले का हार तो वापस मिल जाएगा ना। वेल मत करो सोच विचार इसदा, भाभी जी आप सच के हो जाओ तैयार इसदा। ओके ए जी सुनिए, मुझे लगा दादू ठीक कह रहे हैं। मैडम आपने जो भी कुछ कहा ना मुझे सब मंजूर है, मैं तैयार होके सजदे के चली जाऊंगी। आज लुट गई ललिता ललितपुर में। हजार बार समझाया। सॉरी। धन्यवाद जेंटलमैन, टाइम पे पहुंच जाइएगा। मॉम मैं नहीं जा सकता जी वहां जी। क्यों बे, थारे पांव में मेहंदी लगी है? Not at all. Well, I am not a well. मुझे थोड़ा हल्का बुखार लग रहा है जी। ये। हाँ, शाबास। क्यों नहीं? जब एक आदमी 30 साल पहले जिसको हो जाना चाहिए था रिटायर, वो 80 साल की उम्र तक जो है पुलिस की वर्दी पहन के यहाँ बोझ बन रहा है, नौकरी कर रहा है, तो बुखार उसको नहीं तो पड़ोसियों ने आएगा उसके। अरे मैं छोड़ा ला, अब एंग्री मत होइए। आप फिक्र मत करिए, हम उस चोर को अकेले ही पकड़ लेंगे। है जी? हाँ जी, जैसा वो चोर हमारे पास आएगा हम उसे दबोच लेंगे, जोर से पकड़ लेंगे, आप फिक्र मत करिए। हाँ गुलगुले क्यों है, कर लेंगे ना। सर मुझे क्या पता सर, आप अकेले ही काफी हैं तो मैं भी चलूंगा साथ में, कहीं कोने में खड़ा रहूंगा मैं सर। हाय हाय। मेरे कहने का मतलब है कि साथ में चलूंगा और चोर को पकड़ने में मदद करूंगा ना मैं। बस तो सही है, आज रात चोर पुलिस की हिरासत में होगा। क्या इतनी देर से देख रहा है तू गोपी? तू भी खाना, मैंने रोका है क्या तुझे खाना? Well, मुझे नहीं है भूख इसदा, चिंता में मैं गया हूँ सूख इसदा। किस बात की चिंता है तुझे? तेरी बीवी ने तेरा लप्पा झप्पा उस लप्पी लूतरा के साथ पकड़ लिया क्या? Not at all इसदा, जयपुर में बन गया है नया माल इसदा। तो किस बात की चिंता है बता ना। गुलगुले यू आर माई फ्रेंड इसदा, किस्मत का लगा है मुझे करंट इसदा। ये क्या बातें घुमा रहा है यार गोपी, साफ साफ बता ना प्रॉब्लम क्या है, टेंशन क्या है बोल। यार मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। तुझे कुछ पैसों की जरूरत है? गोपी मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, बहुत सारे। और दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसे पैसों की जरूरत नहीं है, सबको जरूरत है, उसमें क्या है? नहीं नहीं तू समझा नहीं यार, मुझे तुमसे ना कुछ पैसे उधार चाहिए। ऐसा बोल रहा हूँ उधार चाहिए, बोल कितना चाहिए। तू ना तो नहीं करेगा ना? मैं ना क्यों करूंगा यार गोपी, तू मेरा दोस्त है यार, वे आर फ्रेंड्स। तू बोल कितना चाहिए मैं तुझे दूंगा, 100, 200, 500, 1000 तू बोल। वेल ये पकड़। मेरे दोस्त मुझे 50,000 रुपए चाहिए। 50,000 रुपए? हाँ प्लीज ना मत कर, मुझे 50,000 रुपए चाहिए यार। अरे 50,000 क्यों चाहिए तुझे 50,000? यार ये मत पूछ भी 50,000 क्यों चाहिए, मुझे चाहिए, बड़े कॉन्फिडेंटल हैं तू, मुझे 50,000 दे दे, उधार दे दे तू मेरे को, मैं तेरे को बाद में लौटा दूंगा यार। गोपी 50,000 बहुत बड़ी रकम होती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे यार कैसी बात कर रहा है यार, यू आर जोकिंग मी। मुझे मालूम है तेरे पास यार बहुत पैसे हैं, तू मालदार सामी है यार, तू सेठ है यार, तू मुझे 50,000 दे दे यार, मैं तुम्हें लौटा दूंगा ना यार, ये रुपए मेरे लिए बहुत इंप्रूवमेंट है। इंपॉर्टेंट या दिस वन। लेकिन गोपी सच में कह रहा हूँ 50,000 रुपए बहुत ज्यादा होते नहीं है मेरे पास, मेरी बीवी की कसम। तू झूठ बोल रहा है यार, गेंदा गदरीली की कसम। ओ माय गॉड, तूने गेंदा गदरीली की कसम खा ली, इसका मतलब तू सच बोल रहा है, क्योंकि तू कभी गेंदा गदरीली की कसम झूठी नहीं खाता है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, ये 50,000 का इंतजाम तो मुझे करना ही है, यहाँ से नहीं तो कहीं और से सही।
10,000? मजाक है क्या? हेलो, गुलगुले स्पीकिंग। कितने की साड़ियां ले ली उसने? 1.5 लाख। हाँ तो घर पे कैश पड़ा है, घर पे किसी को भेज दो और ले लो। ठीक है, ओके ओके। वाओ, कितना सुनसान रास्ता, दूर दूर तक कोई नहीं। अच्छा हुआ जो मैंने उनसे 10 तोले का हार बनवा लिया। टैक्सी टैक्सी, उफ, टैक्सी भी नहीं है। टैक्सी टैक्सी वाले, ऑटो। मेरे नसीब में यार टैक्सी ऑटो कुछ है ही नहीं। फिर से ट्राई करती हूँ। टैक्सी। सर आपको लगता है वो चोर आएगा? वो चोर आएगा कि नहीं आएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर वो आएगा तो आज उसे हम छोड़ेंगे नहीं, हमें ये पता है। क्या बात है सर, आई लाइक कॉन्फिडेंस सर। सर लेकिन कहीं उसके पास कोई हथियार हुआ तो? अगर उसके पास हथियार है तो हम भी तैयार है। हमारी ये गन कब काम आएगी बे? ये भी सही। आज हमारी गन काम नहीं आएगी, हम जरा अपनी गन भूल गए। वो टॉयलेट करने गए थे ना तो हम वहीं ऊपर रख दी। और सर क्या सर हो जाता है यार, टॉयलेट जोर से लगी थी। सर, वो तो ठीक है सर, लेकिन चोर मेरा हार। आ गया चोर। चोर चोर लुट गई ललिता ललितपुर में। ये सर वो चोर। चलिए अब तो ये नहीं बचेगा, चलो। सर ये कैसे हो सकता है? सर ये गोपी कैसे हो सकता है? नहीं, यो के बकवास कर रहे हो आप लोग? बकवास नहीं मैडम, यही सच है। वो गहनों का चोर जो महिलाओं को निशाना बनाता है वो कोई और नहीं है, वो अपना गोपी है मैडम। अपना गोपी, हमारा गोपी, इस चौकी का गोपी। आई द इज द यू द आर द वेयर द वाला गोपी मैडम। तू पागल, तू क्या बात कर रहा है गुलगुले? मन ने यकीन ना हो रहा। यकीन हम आपको दिलाते हैं छोटाला, हमने अपनी बटन वाली गोल गोल आंखों से दिखाई कि वो गोपी था। वरना आई डोंट हैव एनी पर्सनल प्रॉब्लम विद गोपी यार, हम उसका नाम खाली पीला क्यों लेंगे? Under arrest.